सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज श्रीमद् भगवद् गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यम् मा इस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वो नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान् उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वं
त्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दिध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देही सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।
भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।
श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् संज्ञायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुरन्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय समाप्तः। मित्रों, यह द्वितीय अध्याय के सभी श्लोकों का उच्चारण करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप सभी इससे लाभ लेंगे और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। देवाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को घर घर पहुंचाएंगे। वाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल प्रत्येक भारतीय के घर में होना चाहिए, होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का भंडार आपको यहां दिया जा रहा है, ज्ञानवर्धक चीजें इस चैनल के अंदर। तनिक मात्र भी अंधविश्वास नहीं फैलाया जाता, तनिक विश्वास भी पाखंड नहीं फैलाया जाता, तनिक मात्र भी किसी को बहकाया नहीं जाता, तनिक मात्र भी बीज तंत्र मंत्र की विद्या के चक्कर में नहीं फंसाया जाता। हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हम ऋषियों की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, हम वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमें इस कार्य को करने के लिए शक्ति दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे, हम पाखंड नहीं फैलाएंगे, हम तंत्र मंत्र बीज आदि रूपी अविद्या का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है हम कुछ कर सकते हैं तो केवल सत्य का प्रचार करें, इसके अलावा ना कुछ भी करें वो बेहतर है। यही हमारा संकल्प है, यही देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। इससे बदलना नहीं है, हमको बदलना नहीं है। तो आइए मित्रों, अब हम इस द्वितीय अध्याय के श्लोकों के उच्चारण को यही विराम देते हैं और शीघ्र ही मैं आपके लिए तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम आदि सभी अध्यायों को प्रस्तुत करूंगा। इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।